हाथों में कुड़ाली लेकर झाड़ियां काट रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। रविवार को एक बार फिर से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अनोखा अंदाज देखने को मिला जब वे भिंड जिले के खनेता गांव में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने झाड़ियों से घिरा ट्रांसफार्मर देखा तो कुल्हाड़ी लेकर खुद ही झाड़ियां काटने में जुट गए। दरअसल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर रविवार को भिंड जिले के दौरे पर थे। ऊर्जा मंत्री गौहद विधानसभा के एंडोरी और खनेता गांव में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। खनेता गांव में उन्होंने देखा कि एक जगह ट्रांसफार्मर चारों तरफ से झाड़ियों से घिरा हुआ है। ये देखकर ऊर्जा मंत्री ने तुरंत ही कुल्हाड़ी मंगाई और अपने हाथों से झाड़ियाँ काटने में जुट गए। ऊर्जा मंत्री को झाड़ियाँ काटते देख उनके साथ मौजूद अन्य लोग भी झाड़ियाँ हटाने लगे। इसके बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मालनपुर स्थित विकास भवन में विद्युत विभाग के अधिकारियों की एक बैठक भी ली। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस का काम ठीक ढंग से किया जाए, अगली बार अगर सुधार नहीं मिला तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि कार्य में लापरवाही बरती तो सरकार उनके साथ सख्ती से पेश आएगी। भिंड जिले के क्षेत्र के दौरे पर हूँ और जैसा कि ऊर्जा विभाग के विभिन्न कंपनियों का दायित्व है उपभोक्ता की संतुष्टि, आज मैंने ग्रामीण इलाके के गोद के कुछ गांवों का दौरा किया। एंडोरी गया, खनेता गया, कई जगहों पे देखा कि जिन ट्रांसफार्मरों की गांवों पे मेंटेनेंस होना चाहिए वहाँ मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं था, उसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को और उनके अगर अगले दौरे में ये शिकायतें मिलेंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ, उनसे मेरा आग्रह है कि देखिए उपभोक्ता संतुष्टि सर्वोपरि है, अगर आपने इसमें लापरवाही बरतेंगे तो आपका निश्चित रूप से आपको सरकार कड़ाई के साथ आपके साथ पेश आएगी, ये भी मैंने निर्देश दिए।